गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर दिलशाद गार्डन में दास सीनियर सिटीजन द्वारा वार्षिक स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने संस्था के पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बुजुर्गों को संबोधित करते हुए विधायक रामनिवास गोयल ने कहा कि बुजुर्ग किसी भी राष्ट्र की धरोहर है, इनसे जितना हो सके ज्ञान लेना चाहिए। इनके पास सभी विषयों की जानकारी होती है और सभी विषयों में विशेष अनुभव होता है। सीनियर सिटीजन किसी भी देश की, समाज की, परिवार की धरोहर होती है और उनका मान सम्मान सीनियर सिटीजन का एक दिन तय किया हुआ 1 अक्टूबर पूरे विश्व में मनाया। इसके पीछे भावना यही है कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स को मान दें, सम्मान दें, उनका ध्यान दें और ये कहीं ना कहीं सफल हुआ। उसी के निमित्त आज मैं सीनियर सिटीजन इकट्ठा हुआ। मैं एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अच्छा कार्यक्रम रहा है और हमारे सीनियर सिटीजन हमेशा स्वस्थ रहें। दिल्ली सरकार इसके लिए प्रयास करेंगे पेंशन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। कल भी एक दिन का DTC का फेयर फ्री किया गया सीनियर सिटीजन के लिए, उसको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास। सबसे पहले है गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। मैं दोनों नेताओं को, इन्होंने देश को बहुत अच्छा काम किया है, मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और कल सीनियर सिटीजन डे था, उसको आज इन्होंने हमारी जो दाल सब्जी उन्होंने बनाया, इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सब सीनियर सिटीजन स्वस्थ रहें, सेहत अच्छी रहे, घर में सुख शांति रहे, प्रदेश के अंदर शांति रहे और देश के अंदर। आज सीनियर सिटीजन गार्डन के माध्यम से पॉकेट में रखा गया। सबसे पहले तो और हम चाहूंगा इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जादूगर राजकुमार की टीम ने जादू करके नए नए स्टंट दिखाए। यही नहीं, मंच का संचालन कर रहे राजकुमार जादूगर ने कहा कि वाकई ये संस्था बुजुर्गों के लिए काफी सराहनीय काम कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष KN छाबरा ने बताया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल बुजुर्गों के लिए चलाया जाता है, जिसमें बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कार्यक्रम कराए जाते हैं। वार्षिक समारोह 9वां वार्षिक समारोह है, इसमें हमने 2 अक्टूबर 2010 से इसका गठन किया था और 20 सितंबर 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमारे जो माननीय डॉक्टर साहब हैं इनके सहयोग से और बहन प्रीति जी के सहयोग से हमारे को ये वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र प्राप्त हुआ। और अब हमारे जो संजय गोयल जी हैं और हमारे रामनाथ गोयल जी हैं और महेश गिरी जी हैं, ये हमारे काफ़ी सहयोगी हैं क्योंकि इस टाइम पावर में हैं तो हम इनके सहयोग से काफ़ी काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें अभी सरकारी संस्था की तरफ से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन हम अपने ही फंड से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। पिछले 9 सालों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं क्योंकि हम बुजुर्गों की सेहत के लिए, मनोरंजन के लिए कार्य कर रहे हैं। जो आज आपने देखा है कि हमारे राजकुमार जी ने बहुत बढ़िया मैजिक शो दिया। उसी मानना है कि कलाकार वही होता है, इंसान वही होता है, घर का बुजुर्ग वही होता है जो अपनी कला, अपना ज्ञान बाँटे। जब हम कला बाँटेंगे तो तभी उस कला की तरक्की होगी। हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको भी एक स्टेज मिला, एक मंच मिला, वो शोज़ करते हैं, लेकिन हम टीम वर्क के साथ शो करते हैं। तो जो परिवार टीम के साथ रहता है, जो व्यक्ति टीम के साथ रहता है, जो संस्था टीम के साथ रहती है, वही हमेशा आगे जाती है। और जिस परिवार में टीम नहीं है, जिस संस्था में टीम नहीं है, जिस बिजनेस संस्था में टीम नहीं है, वो हमेशा नीचे ही जाते हैं। तो हमने शुरू से ही सीखा था कि जब भी हम चलेंगे अपनी टीम को साथ लेकर चलेंगे। शो मेरा था लेकिन मैंने अपनी टीम के तमाम सदस्यों से बोला था कि अपना शो ख़त्म करके सीधा जिसका शो ख़त्म होता जाए, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, जगह जगह शो थे, वो सारे यहाँ पर पहुँचते गए। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से बुजुर्गों का मनोरंजन होता ही है, साथ ही उन्हें नई नई बातों का ज्ञान भी मिलता है। कार्यक्रम में एक दूसरे से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। संदीप कुमार के साथ रोशनी राजपूत की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।